Hello students, this chapter of 4th presentation of data and the book is Statistics for Economics, class 11th. In this book we have completed the 3 chapters and this is the chapter 4th presentation of data. Data present kaise karte hain, theek hai? Introduction, you have already learned in previous chapters. तो डाटा कलेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. फर्स्टली कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा था हमने, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अब उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करें. ठीक है, तो डाटा प्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स होते हैं. देखिए 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. फर्स्ट वन इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट टेबलर प्रेजेंटेशन है, टेबल के द्वारा प्रेजेंट करना. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. तो अब फर्स्ट वन को यह दिया जाता है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो डाटा को एक टेक्स्ट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है. इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में डाटा टेक्स्ट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज, जब डाटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल. तो इस तरह प्रेजेंटेशन की फॉर्म ज़्यादा सुटेबल होती है. लुक एट द फॉलोइंग केसेस. केस वन, तो वन केस में क्या है, देखिए छोटी सी डिटेल है ये, इसलिए इसको टेक्स्ट फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं. इन बंद, मतलब ये बंद क्या है, कर्फ्यू कॉल गिवन ऑन 8 सितंबर 2005 प्रोटेस्टिंग द हाइक इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को लेकर के 2005 और 8 सितंबर की डेट थी, तो प्रोटेस्ट किया गया पब्लिक के द्वारा. तो क्या हुआ, 5 पेट्रोल पंप फाउंड ओपन, जिसमें 5 पेट्रोल पंप ओपन पाए गए और 17 क्लोज पाए गए. 2 स्कूल क्लोज थे और रिमेनिंग 9 स्कूल्स फाउंड ओपन. ये एक सिंपल सी बात है, इसको टेक्स्टुअल फॉर्म में लिखा गया है, टेबल नहीं बनाई गई है. अगर इसको टेबल बना करके हम शो करेंगे तो क्या होगा, वो टेबलर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये टेक्स्टुअल है. टेक्स्टुअल का नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी है. सेंसस ऑफ 2001 रिपोर्टेड दैट इंडियन पॉपुलेशन हैड राइजन. तो पॉपुलेशन 102 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें 49 करोड़ फीमेल्स हैं, 53 करोड़ मेल्स. ये टेक्स्टुअल में किया जा रहा है. 74 करोड़ पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल इंडिया, 28 लिव इन टाउन एंड सिटीज. तो ये क्या हो गया, टेक्स्टुअल. वाइल देयर वर 62 करोड़ नॉन वर्कर पॉपुलेशन अगेंस्ट 40 करोड़ वर्कर्स इन देयर एंटायर कंट्री. तो उसी 102 करोड़ का 3 टाइप्स से हमने डाटा टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसी को टेबल के फॉर्म में भी दिया जा सकता है. अब थर्ड वन क्या है, देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर प्रेजेंटेड ऑन रोज. तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रोज में टेबल्स के थ्रू डाटा प्रेजेंट किया जाता है. अब टेबल में क्या क्या चीज़ होती थी, टेबल को देखते हैं हम. लिटरेसी इन इंडिया, सेक्स एंड लोकेशन परसेंट. तो लिटरेसी रेट को मेल फीमेल रूरल अर्बन और टोटल ये टेबल में प्रेजेंट किया गया, इसे टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं. अब टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है 3 टाइप से है. फर्स्ट वन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेशियल. तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, देखिए फिर से आप जान लेते हैं कि पहला था हमारा टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन, सेकंड है टेबुलर, और टेबुलर के 3 फॉर्म्स हैं. तो फर्स्ट वन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, जब क्लासिफिकेशन किसी एट्रीब्यूट के हिसाब से होता है, मतलब कोई क्वालिटी जैसे कि सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, नेशनलिटी, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल टेबल 4.1, टेबल 4.1 में क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दिया है. तो किसका, टेबल 4.1 में लिटरेसी रेट का 2011 का डाटा है ये. इसमें सेक्स, लोकेशन में रूरल और अर्बन है, और टोटल मेल पॉपुलेशन 79% लिटरेट है, 90% अर्बन है, और टोटल दोनों का एवरेज 82, मतलब इन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज 82 है, मेल का. फीमेल का 65 है. टोटल 74% पीपल आर लिटरेट इन 2011. सेकेंड ही क्या है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी. इसमें मेन बात को हम लेते हैं कि एज, हाइट, प्रोडक्शन, इनकम आर क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स.
इन सब चीज़ों को हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं। टेबल 4.2 में दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रेस्पोंडेंट्स बाई देयर एज इन इलेक्शन स्टडी इन बिहार। 542 लोगों पर सर्वे किया गया, तो इन कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, एज ग्रुप 20 से 30, एज ग्रुप 30 से 40, एज ग्रुप के कितने पर्सन हैं। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव, कितने पर्सन हैं और कितना परसेंटेज इस काम में शेयर कर रहे हैं, वो एक क्वांटिटेटिव डाटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में एक टाइम हो जाता है कि टाइम के बेस पर किस ईयर में कितने परसेंट सेल हुई है। देखिए टी शॉप 4.3 टेबल में अर्ली सेल्स ऑफ ए टी शॉप फ्रॉम 1995 से 2000 बीच 79.2 लाख की सेल। सिक्स में कितनी हुई, 97 में, 98 में, 99 में, ईयर वाइज सेल। यानी कि क्या दिखा रहा है, ये एक टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है डाटा का, ये पब्लिश नहीं है, अनपब्लिश्ड है, किसी भी प्राइवेट फर्म या शॉप का डाटा है ये। ठीक, नेक्स्ट आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन में देखिए किसी भी विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री की कोई भी तरीके का डाटा प्रेजेंट किया जाता है। टेबल 4.4 से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूएसए, तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट किस कंट्री को कर रहा है 13-14 में जो किया था, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13-14 एज शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट परसेंट। यूएसए 12.5, जर्मनी, अदर यू कंट्रीज हैं, यूके में कितना परसेंट, तो टोटल 100% में इन कंट्रीज का कितना शेयर रहा है जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, इंडियन एक्सपोर्ट का शेयर अलग अलग कंट्रीज का है। तो ये क्या हो, स्पेशल। स्पेशल मीन्स क्या होता है, किसी भी स्थान का, स्थानिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये थ्री टाइप के प्रेजेंटेशन रहा टेबलर, यानी तीन तरह की टेबलर प्रेजेंटेशन होती है।